टेक्नोलॉजी एवरीवेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जो आपको थोड़ा उदास कर सकती है दोस्तों। जो टाटा टेलीकॉम सर्विसेज है, टाटा डोकोमो है, जिसका वो बंद होने वाला है, दिसंबर तक वो बंद हो जाएगा 2017 तक, ऐसी खबर आ रही है। तो दोस्तों मैं आज उसी के बारे में आपसे थोड़ी बात करने वाला हूँ। तो देखिए, 2-3 महीने से जब से जियो आया है एक्चुअली, तब से जो जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी हुई, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, ये बड़ी सी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है, क्योंकि सारे लोग जियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जियो ले रहे हैं, बार बार सब लोग जियो यूज कर रहे हैं आजकल। तो दोस्तों पहली बात तो मैं बता दूं कि जियो 4G होता है और टाटा डोकोमो सिर्फ 3G ही है। तो सिर्फ उनके पास 3G है, तो अभी उनको इस साल 4,617 करोड़ का लॉस हुआ है टाटा डोकोमो की वजह से ही। तो टाटा डोकोमो इतने लॉस की वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया है कि टाटा डोकोमो को अब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि टाटा डोकोमो कंटिन्यूअसली लॉस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 42.09 मिलियन यूजर्स थे उसके जुलाई मंथ तक, और कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि वो एयरटेल वगैरह की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली जियो की तरफ। ये जियो की वजह से हो रहा है सब कुछ। जब से जियो आया है, जितने भी ये जो जितने भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, ये सबका बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। 500 एम्प्लॉयज, जैसे कि आप देख सकते हैं, टाटा डोकोमो शटिंग डाउन, 5,000 एम्प्लॉयज टू लूज देयर जॉब। 5,000 जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं टाटा डोकोमो में, वो अपनी जॉब भी खो सकते हैं, इस वजह से खो क्या सकते हैं, खो भी जाएंगे। अब जैसे कि टाटा डोकोमो तो बंद हो रहा है, तो अब बैलेंस का क्या होगा? देखिए दोस्तों, बैलेंस का आप टेंशन मत लीजिए। जब टाटा डोकोमो अभी अभी एकदम से बंद नहीं होगा, अभी उनको 60 डेज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब वो बंद होगा। तो उसका जो डाटा होगा वो इधर उधर ट्रांसफर तो हो जाएगा, हो सकता है रिटर्न बैक हो जाए, या हो सकता है दूसरे में नेटवर्क में जो आप ट्रांसफर करवाएं तो कुछ ऐसी पॉलिसी आ जाए कि उसमें ट्रांसफर हो जाए, तो ये सब हो सकता है, हो सकता है इन सब में। तो करना क्या है अब जो टाटा डोकोमो है उसका सॉल्यूशन मैं बता दूं। टाटा डोकोमो को अब आप क्या कर लीजिए, सिम का जो नंबर है वो चेंज करा लीजिए, पोर्ट करा लीजिए दूसरे ऑपरेटर में। बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है, मैं तो बोलता हूँ कि आप जियो में करा लीजिए पोर्ट। जियो बिल्कुल सही है, अगर आपके एरिया में जियो का नेटवर्क सही आ रहा है, आप देख लेना, अगर जियो का नेटवर्क सही आ रहा है तो जियो में पोर्ट करा लीजिए, क्योंकि मैं जियो यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जियो की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, मैं एकदम 100% सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छी जियो की स्पीड आ रही है, जियो एकदम ही अच्छा है। वैसे टाटा डोकोमो अभी जो मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरी फोन की स्क्रीन है ये अभी मैं टाटा डोकोमो ही यूज कर रहा था अपने मेन जो था, क्या बोलते हैं, मेन जो मैं उसके रूप में यूज कर रहा था ना, मेन जो सिम थी मेरी, वो मैं टाटा डोकोमो से ही बात वगैरह चल रही थी। लेकिन जब से जियो आया तो मैंने टाटा डोकोमो का भी यूज थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि जियो में सारा काम हो जाता था, वॉइस कॉलिंग फ्री मिल रही थी, 1 GB दिन का डाटा, तो टाटा डोकोमो कम हो गया था। तो टाटा डोकोमो हो सकता है दिसंबर तक, करना क्या है आपको कि आप दूसरे पे पोर्ट करा लीजिए अपना नंबर। मैं आपसे बोलता हूँ कि या एयरटेल या जियो पे करा लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को, रेड वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और राइट में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलेगा, इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आपका कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो जैसा कि मैंने अभी निकाला टाटा डोकोमो का, वो बंद नहीं होगा। सब्सक्राइब बिना किए मत जाना।